सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस चांस टू टेल अवर सेल्फ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज नीतीश कुमार, आई एम 20 इयर्स ओल्ड, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। आई कंप्लीट माय स्कूलिंग फ्रॉम श्री अम्मा सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट फ्रॉम मकानपुर मल्टीपल कैंपस नेपाल। नाउ दिस टाइम परसुइंग फायर एंड सेफ्टी कोर्स फ्रॉम जीपीसी एकेडमी छपरा। माय फादर नेम इज छोटेलाल सर। दिस इज ऑल अबाउट माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। ठीक है, आप मुझे ये बताइए PDCA के बारे में आप क्या समझते हैं? PDCA ISO स्टैंडर्ड का एक फॉर्म है जिसको हम लोग प्लान डू चेक एक्ट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। जैसे ISO 4500 से मान्यता प्राप्त है और ISO 45001 से मान्यता प्राप्त है और ISO 2001 से मान्यता प्राप्त। ठीक। अच्छा, साइट पे सेफ्टी को मैनेज करने का क्या रीजन है? क्यों सेफ्टी को किसी भी साइट पे, वर्किंग साइट पे मैनेज किया जाता है? क्या कारण है इसके लिए? साइट पे सेफ्टी को मैनेज करने का मेन तीन कारण है, मोरल, लीगल और फाइनेंशियल। एक तो मानवता के कारण, और दूसरा हो गया कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया उससे बचने के लिए, और तीसरा हो गया कोई भी संपत्ति नुकसान होने के लिए, लॉस से बचने के लिए लोग सेफ्टी मैनेज करते हैं। एक्सीडेंट कहीं पे हो रहा है जी, तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है जी। क्यों होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए होता है कि एक्सीडेंट पीछे का कारण पहचान कर दोबारा ऐसे घटना होने से रोका जा सके, इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक। वेलफेयर फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड किया जाता है साइट पर? वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वर्कर थके हुए होते हैं, जैसे उनको लंच टाइम में, अगर इधर जैसे लंच टाइम हो गया, वो लोग साइड पर बैठ के खाना खाएंगे, वहाँ पे काम चल रहा होगा, ऊपर से कुछ गिर के लग सकता है, या वहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे उनसे भी खतरा हो सकता है, इसलिए उन लोग को पीने का पानी का, या तो रेस्ट रूम हो गया, चेंजिंग रूम हो गया, टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह दिया जाता है कि वो लोग खतरे से बचे रहें, उन लोग किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ओके। ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में आप क्या समझते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग टेक प्लेस व्हेन न्यू वर्कर विजिटर कॉन्ट्रैक्टर जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन एट द फर्स्ट डे ऑफ देयर जॉइन। कोई भी न्यू वर्कर या विजिटर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी में आता है, उस कंपनी का रूल्स रेगुलेशन, उसको कैसे काम करना है, कहाँ पर कौन सा फैसिलिटीज मिलेगा, कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ है, वेलफेयर फैसिलिटीज कहाँ है, वो सब बताने के लिए हम बताते हैं उसको, हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए हॉट वर्ड क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं? जिस काम में जिसमें स्मोक, फेट, फ्लेम निकले उसको हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। हॉट वर्क मेनली दो होते हैं, एक फ्लेमेबल है, एक नॉन फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल में जिसमें चिंगारी, स्पार्क वगैरह दिखे उसको हम लोग फ्लेमेबल कहते हैं, जिसमें चिंगारी, स्पार्क वगैरह नहीं दिखे उसको नॉन फ्लेमेबल कहते हैं। ठीक। एजेंसी पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? एजेंसी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह सेट करता है, उसको हम एजेंसी पॉलिसी कहते हैं। टेंडम लिफ्टिंग का नाम आप सुने? जी सर। क्या होता है? कोई भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते समय, कोई हेवी लिफ्टिंग करते समय, अगर दो क्रेन का यूज करके हम लिफ्टिंग करते हैं उसको हम लोग टेंडम लिफ्टिंग कहते हैं। दो क्रेन का एक साथ किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, उठाने के लिए टेंडम लिफ्टिंग करते हैं। लिफ्टिंग करते हैं। टेंडम लिफ्टिंग अगर कहीं हो रहा है वहाँ आपको क्या खतरा दिखाई देगा? टेंडम लिफ्टिंग में तो सबसे पहले हम लोग सरफेस ग्राउंड लेवल पर दलदला भरा नहीं है या वेट सरफेस नहीं, वो चेक कर लेंगे। और साइड में कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है तो उसमें भी स्ट्राइक हो सकता है, लग सकता है वो। लाइन ऑफ फायर के एरिया में अगर कोई भी वस्तु आ रहा है तो उसको स्ट्राइक हो सकता है। और कोई एक भी अगर क्रेन डिफेक्टिव भी होगा तो उससे भी एक क्रेन डिफेक्टिव होगा तो वो भी कोलैप्स कर सकता है, जिसके कारण दूसरे क्रेन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद अगर उस साइड में जो उसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को खतरा हो सकता है। और वो प्रॉपर तरीके से
टेंडम लिफ्टिंग करते समय अगर आउट ट्रिगर अगर नहीं लगाते उसे भी हम लोग खतरा हो जाता है। ओवर हेड पावर लाइन वगैरह है उससे भी लिफ्टिंग करते समय उसमें टॉस हो जाता है, इलेक्ट्रिकल हजार हो सकता है हम लोग को। ठीक, लाइन ऑफ फायर का आपने जिक्र किया, ये क्या होता है? लाइन ऑफ फायर मतलब कोई भी घूमने वाला वस्तु या जैसे लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं तो उसके एरिया में जितने भी वस्तु आते हैं उसको हम लोग लाइन ऑफ फायर, जिसको इससे खतरा हो उसको हम लोग लाइन ऑफ फायर के एरिया कहते हैं। ठीक, फायर से याद आया, फायर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फायर मतलब केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट फ्यूल और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण हीट फ्यूल ऑक्सीजन का फायर रिड्यूस होता है। ठीक, फायर ट्रायंगल क्या होता है? फायर ट्रायंगल वो हीट फ्यूल और ऑक्सीजन मिलकर बनता है तो उसको फायर ट्रायंगल। क्लास ऑफ फायर बताइए, फायर को कितने क्लास में कैटेगराइज किया गया है? मेनली तो 5-6 टाइप में किया, क्लास ए फायर में सॉलिड हो गया, क्लास बी फायर में लिक्विड हो गया, क्लास सी फायर में गैस हो गया, क्लास डी फायर में मेटल हो गया, क्लास के फायर में किचन हो गया, क्लास सी फायर में इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक, क्लास सी फायर में क्या होता है, किस तरह के फायर आते हैं? क्लास सी फायर में गैस में जैसे एलपीजी हो गया, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसा ही। ठीक, अगर इस तरह के फायर हो रहे हैं आपके साइट पे गैस रिलेटेड, तो उस टाइम आप कौन से एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे? उस टाइम हम लोग गैस में CO2 और DCP का यूज़ कर सकते हैं। CO2 और DCP। ठीक, अब किचन फायर के बारे में बताएं। किचन फायर में मतलब हम लोग को वो कुकिंग ऑयल और फैट में आग लग सकता है, उस समय हम लोग वेट केमिकल पाउडर का यूज़ करेंगे, फोम DCP का यूज़ करके बुझा सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते। अच्छा, अब ये जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर होता है इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है? इसमें कॉलर कोडेड होता है या कॉलर कोडिंग किया होता है ऊपर से, या उस पर लिखा होता है कौन सा है, वाटर है तो उसका वाटर का रेड होता है, फोम है तो क्रीम होता है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड है तो ब्लैक होता है, इसे कॉलर कोडिंग करके रखा हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग उसे पहचानते हैं। ये जो एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है जी, किन किन पार्ट से मिलके वो बनता है, पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? सिलेंडर पूरा पूरे जो स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर होता है, इसमें तो पहले सिलेंडर हो गया, उसके बाद हो गया लीवर आता है, हैंडल आता है, सेफ्टी पिन आता है, जुबली क्लैंप आता है, होज पाइप आता है, नोज या टॉर्च आता है, यही सब मिलकर होता है, और होज सॉरी सिलेंडर स्टैंड हो गया। ठीक है, ठीक है, अगर आपके साइट पे कहीं गैस कटिंग का काम हो रहा है तो आप वहाँ पे प्रिकॉशन के रूप में क्या देंगे? गैस कटिंग का अगर कोई काम हो रहा है तो हम लोग पहले वहाँ पे कम्बस्टेबल मटेरियल जितना भी वहाँ पे हटा देंगे, सिलेंडर वगैरह है तो फायर ब्लैंकेट से ढक के रखेंगे उसको, अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है उसके सिलेंडर पे तो वो भी खतरा हो सकता है वहाँ पे। जो भी व्यक्ति हो गैस कटिंग का कॉम्पिटेंट हो उसको ऑथराइज किया गया है कि उसी काम के लिए वो एलिजिबल है, और उसके बाद हो गया जितना भी इक्विपमेंट हो गया और सिलेंडर वगैरह हम लोग चेक कर लेंगे लीकेज वकेज है कि नहीं, इक्विपमेंट डिफेक्टिव इक्विपमेंट या होज वगैरह काटा हुआ है डिफेक्टिव है कि नहीं वो सब चेक कर लेंगे, यही सब करके हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सब कंट्रोल मेजर नहीं लगाते तो क्या खतरा हो सकता है? इसमें से एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन कैसे होगा? गैस का दिखा अगर लीकेज हो रहा है तो सिलेंडर में आग लग सकता है, उसके कारण अगर हाईली प्रेशर है तो उसमें एक्सप्लोशन हो सकता है, उधर अगल बगल में जितना भी कंपनी में पूरा कंपनी का नुकसान हो सकता है आग लगेगा तो, जितना भी इन्वॉल्व होंगे उसमें उन लोगों का मृत्यु हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक, अच्छा आप मुझे ये बताइए फायर वाचर और होल वाचर में क्या डिफरेंस है? फायर वाचर जो हम लोग कोई भी हॉट वर्क करते हैं उस पर आग ना लगे उससे बचाने के लिए हम लोग फायर वाचर को हायर करते हैं, और होल वाचर होता है जो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो अंदर जो काम कर रहे हैं उस व्यक्ति सही कंडीशन में है, उसका कोई
इश्यू तो नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसे, कोई हजारे सब्सटेंसेस से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर से दे सके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो इन्फॉर्म कर सके, इसलिए हम लोग होल वाचर पर रखते हैं, कन्फाइंड स्पेस के गेट पर होल वाचर रखते हैं। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस एक सीमित जगह होता है जहाँ पे ना हम लोग आसानी से आ सकते हैं ना जा सकते हैं, जहाँ पे जहरीली और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल पाए जाते हैं उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस में आपको क्या क्या खतरा देखने को मिल सकता है? कन्फाइंड स्पेस में तो जैसे CO2H2S हो गया, ऑक्सीजन का कमी होना, लाइट का कमी होना, ऑक्सीजन अधिक तो हो जाए वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार हो सकता है, बायोलॉजिकल हजार हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम ना होना वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, काम करते समय उसका यूज नहीं करें वो भी खतरा हो सकता है, परमिट को ना होना वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। क्या प्रिकॉशन देंगे कन्फाइंड स्पेस के लिए? कन्फाइंड स्पेस में पहले चेक करेंगे, पहले आइसोलेशन सिस्टम चेक कर लेंगे, उसका सही से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई भी मेंटेनेंस काम कर रहे हैं तो उसको चेक कर लेंगे, उसमें गैस लेवल एलियल चेक कर लेंगे, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हो मोस्ट ट्रेंड होना चाहिए, और जो इंट्रांट और होल वाचर रखा गया है कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको, वो काम कैसे करे, किस समय में कैसे प्रिकॉशन ले, कोई खतरा होता है तो कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में उसको अच्छी तरह से जानकारी हो, वो कर सके वो भी होना चाहिए, और हम लोग कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेंगे कितना है, और उसके बाद मैक्सिमम हम लोग 24 वोल्ट लाइट का यूज करेंगे कन्फाइंड स्पेस में, कि हम लोग एलिजिबल होकर काम कर सकें, सही तरीके से काम कर सकें। ठीक, ओके, आप ये बताइए वर्क एट हाइट क्या होता है, और वर्क एट हाइट पे काम करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए? वर्क एट हाइट तो देखिए जमीनी सतह से 1.8 मीटर के ऊपर जितने भी काम होते हैं हम लोग वर्क एट हाइट करते हैं। सॉरी सर, उसमें काम करते समय हम लोगों को खतरा, जैसे वर्कर गिर सकते हैं, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट वर्कर को या कोई नीचे से चल रहा है उनको पे गिर सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो भी हमारे लिए खतरा है, एडवर्स वेदर कंडीशन पानी पड़ रहा है, ज़्यादा स्पीड में हवा आ रहा है वो भी खतरा हो सकता है, और उसके बाद हो गया तो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस का ना होना, और सॉरी और जो इस कॉम्पिटेंट व्यक्ति काम ना करे उससे भी खतरा हो सकता है, परमिट का ना लेना वो भी खतरा हो सकता है। ठीक 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 है, सेफ्टी बेल्ट के कुछ पार्ट्स का नाम बताइए, सेफ्टी बेल्ट कैसे किस चीज से मिलकर बनता है? सेफ्टी बेल्ट हो गया, पहले क्या क्या पार्ट्स होता है उसमें? सेफ्टी लॉक हो गया, लैनियर्ड हो गया, शोल्डर स्ट्रिप हो गया, चेस्ट स्ट्रिप हो गया, चेस्ट लॉक हो गया, थाई लॉक हो गया, थाई स्ट्रिप हो गया, डी ब्लॉक, डी रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, यही सब होगा। अच्छा, सेफ्टी बेल्ट में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका काम क्या होता है, किस लिए लगा होता है उसमें? शॉक एब्जॉर्बर ये लगा रहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है ऊपर से तो उसको झटका ना लगे, झटका लगने से उसका मृत्यु हो सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे खुल कर व्यक्ति को झटका लगने से बचाता है। सेफ्टी बेल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके साइट पर कोई सेफ्टी बेल्ट का यूज़ कर रहा है तो यूज़ करने से पहले आप क्या क्या चेक करेंगे उसमें, चेक पॉइंट क्या क्या होगा? पहले देख लेंगे उसका जो क्लच है या जो एग्रेज हुक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लैनियर्ड में कोई कटा हुआ फटा जला हुआ तो नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर में कोई डैमेज तो नहीं है, या चेस स्ट्रिप हो गया वो भी कटा फटा तो नहीं, जला हुआ या फिर किसी प्रकार का केमिकल तो उस पर नहीं गिरा है, लॉक देख लेंगे सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, डी रिंग सही कंडीशन में कि नहीं, डी ब्लॉक सही कंडीशन में है कि नहीं, वो सब देख लेंगे, कहीं पे मुरा हुआ है या क्रोजन जंग लगा हुआ है कि नहीं वो भी देख लेंगे। ठीक, ओके, अब जा सकते हैं। थैंक यू सर।